नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑलराइट टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ऑलराइट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ऑलराइट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ऑलराइट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ऑलराइट एक ब्रांड नेम है। ऑलराइट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन लिवोसेट्रिजिन 5 mg होता है। ऑलराइट टैबलेट एक एंटी हिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है। ऑलराइट टैबलेट का उपयोग सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। सर्दी, जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, आंख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए ऑलराइट टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर त्वचा पर रैशेस होने पर और त्वचा पर खुजली होने पर भी ऑलराइट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। डॉक्टर क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानी त्वचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर भी ऑलराइट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। मधुमक्खी या किसी अन्य कम जहरीले जानवर के काट की वजह से हुई त्वचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर ऑलराइट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ऑलराइट टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में ऑलराइट टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुँह में सूखापन होना, सिरदर्द होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, नाक से खून आना, पेट में दर्द होना, चक्कर आना, कब्ज होना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स ऑलराइट टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑलराइट टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। ऑलराइट टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर डॉक्टर 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को आधी टैबलेट यानी ऑलराइट 2.5 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं, और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को ऑलराइट 5 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। ऑलराइट टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको ऑलराइट टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑलराइट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। किडनी फेलियर होने पर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर ऑलराइट टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है, इसलिए किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को ऑलराइट टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। ऑलराइट टैबलेट को दिन में लेने की वजह से नींद अधिक आ सकती है, इसलिए ऑलराइट टैबलेट को शाम के समय लेना रिकमेंडेड होता है। ऑलराइट टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में ऑलराइट टैबलेट को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ऑलराइट टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। वैसे ऑलराइट टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ऑलराइट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका ऑलराइट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।